हेलो दोस्तों, करेला एक ऐसा सब्जी जिसको बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन यह सब्जी जितना कड़वा होता है उतने ही इसके ज़बरदस्त फायदे मिलते हैं। आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करेले की सब्जी या फिर करेले के जूस के 10 ज़बरदस्त फायदे, जिसको जानकर आप शायद आज से ही करेला खाना शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करूँगा नंबर पहले फ़ायदे के साथ। हमारे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब कह गए हैं कि करेला की सब्जी खाने से, जूस पीने से आपकी खून साफ होती है। जी दोस्तों, आप अपने शरीर को बाहर से साफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने अंदर का खून साफ करना है, बैक्टीरिया वायरसेस खून में भी होते हैं, अगर उसको आपको ख़त्म करना है तो आप करेले का जूस का सेवन करें, या आपके खून का शुद्धिकरण करेगा। नंबर दूसरा, आँखों की रोशनी। आज की डेट में भाई मोबाइल बहुत ज़्यादा लोग चला रहे हैं, और अगर आपको आँखों की रोशनी मेंटेन रखनी है तो डेली बेसिस पे करेले का जूस पियो, आपको आँख से जुड़ी कोई समस्या नहीं होने वाली। नंबर तीसरा दोस्तों, करेले की जूस से हमारा जो खून होता है वो साफ होता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन की स्किन क्वालिटी होती है, जैसे किसी लोग का स्किन डार्क होता है, कुछ लोग का स्किन मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ब्राइटनेस नहीं होती है, कुछ लोग का स्किन रूखा होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम अगर आप करेले का जूस पी रहे हो तो आपको नहीं आएंगे। आपके जो रंग है वो निखर के आएगा, नो मैटर कि आप डार्क कलर में आते हो, ब्राउन कलर में आते हो, या फिर गोरे में आते हो, कोई भी कलर है तो आपका जो रंग होता है वो निखर के आएगा और आपके चेहरे पर एक खिला खिला ग्लो रहता है। नंबर फोर दोस्तों, ये हेयर ग्रोथ। जी दोस्तों, करेला अगर आप खा रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ कि ज़िंदगी भर अगर आप अच्छे से करेला का सेवन कर रहे हो तो बालों की समस्या से वो लोग बहुत बच के रहते हैं। हालांकि जेनेटिकली अगर आपको प्रॉब्लम है तो भैया मैं हाथ जोड़ लूँगा, लेकिन अगर जो लोग करेला का रेगुलर सेवन करते हैं अपने बचपन की उम्र से, तो उनको बाल झड़ने जैसी प्रॉब्लम्स का सामना बहुत कम करना पड़ता है। नंबर फाइव दोस्तों, करेले के जो यहाँ पर हम कहते हैं जो खून साफ करने का प्रोसेस होता है ना, उसके कारण करेले का सेवन करने से आपको चेहरे पे दाने मुहांसे की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अगर आपका खून साफ रहेगा तो दाने मुहांसे नहीं होंगे आपके चेहरे पे। नंबर सेवन, लीवर को मजबूत करता है। आप शराब पीते हो ये आपके लीवर को ख़राब करता है, लेकिन अगर आप उसके विपरीत करेले का जूस पी लो तो ये आपके लीवर की क्षमता को बढ़ाता है। बढ़ती उम्र के लोगों को तो मैं खासकर सजेस्ट करूँगा आप करेले का जूस का सेवन करो यार, आपकी जो लीवर होगी वो मजबूत होगी। नंबर एट, आजकल दोस्तों क्या प्रॉब्लम चली है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबको थोड़ी सी हवा लगी बीमार पड़ गए, ये है इम्यूनिटी प्रॉब्लम। करेले का जूस सेवन करने से हमारी जो इम्यूनिटी होती है बूस्ट होती है। जी दोस्तों, अगर आप 30 दिनों तक करेले का जूस का सेवन करते हैं हर दो दिन में एक बार, तो आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो 70% तक बूस्ट हो सकती है और आपको ठंड वगैरह जल्दी नहीं लगेगी। नंबर नाइन्थ दोस्तों, बढ़ती उम्र में क्या होता है ना, लोगों की हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, करेले का जूस सेवन करने से हमारी बोन डेंसिटी बरकरार रहती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, तो ये प्रॉब्लम भी आप इससे दूर कर सकते हो। नंबर टेंथ दोस्तों, ये है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, करेले के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपको कैंसर होने से बचा सकते हैं, या फिर जिन लोगों को भगवान भला करे यार, जिन लोगों को भी अगर कैंसर हुआ हो तो कैंसर जो लोगों होता है उन लोगों को करेले का जूस पिलाना चाहिए, जिसकी वजह से उनको ये बीमारी ठीक हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये थे वो 10 फायदे करेले को खाने से या करेले के जूस पीने के, जो कि आज की वीडियो मैंने आपको बताया। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर हमारे चैनल को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।